देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 28 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 15 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 173 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 976 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 837 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 15 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7973 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 38 नए कोविड 19 मामले, 16 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 246 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 15 नए कोरोना के मामले, 10 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 133 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 186 नए मामले आए हैं, 122 रिकवरी हुई हैं और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 4164 हैं। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 244 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 391 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2491 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 282 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 349 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 13 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 8430 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना के मामले, 18 रिकवरी दर्ज की गई है। इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 150 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना मामले के 1075 नए मामले सामने आए हैं, 1315 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 12 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 12288 हैं। नंबर दस, पांडिचेरी में आज 40 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 50 रिकवरी दर्ज की गई हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 443 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 23 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 51 लोग ठीक हुए हैं और 1 मौत हुई है, सक्रिय मामले 454 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 567 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 437 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 8 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4777 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 20 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9445 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6723 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 622 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। केरल में कोविड के सक्रिय मामले 76629 हैं। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 20 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 10 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 108 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं, 23 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की हुई है, सक्रिय मामले 190 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 261 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 48 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 1972 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 97 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 844 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 4 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 40 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 549 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 334 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 4339 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 122 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1485 नए मामले आए हैं, 4947 रिकवरी हुई है, 38 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 19480 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले आए हैं, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7 है, सक्रिय मामलों की संख्या अब 100 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए हैं, 13 मरीज ठीक हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 348 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 115 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 263 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 70 नए कोरोना के मामले, 86 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 838 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 71 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 507 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 740 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 991 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 6773 हैं।
तो ये था आपके राज्य के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।